सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हेन अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे और कैसे चेक कर सकते हैं. इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हेन अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब जहां जहां वो फंक्शन डिफाइंड है, जो उसका डोमेन है, उस पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया है और मैंने एक्स ले लिया है इंटरवल 0 टू पाई, एक्स इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 टू पाई, विच इज ऑब्वियसली नॉट द डोमेन ऑफ साइन एक्स. हमें पता है डोमेन जो होता है साइन एक्स का, दैट इज होल आर, रियल लाइन होता है, रियल नंबर्स होते हैं सारे. बट लेट्स से अभी मैंने इसको इधर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसमें इस एफ एक्स continuous at x is equals to pi by 2. तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछ रही हूँ कंटिन्यूटी, तो आप क्या करते, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते एट पाई बाई टू, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते पाई बाई टू, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लेते पाई बाई टू. आप देख सकते हैं इस पॉइंट से हमारा ग्राफ विदाउट एनी ब्रेक पास किया है पाई बाई टू से. तो ऑब्वियसली ग्राफिकली भी देखकर मैं बता सकती हूँ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट पाई बाई टू, राइट. ऑल्सो मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पाई बाई टू. तो ये तो बात हुई कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट. नाउ इफ आई आस्क यू इफ इज दिस फंक्शन इज एफ एक्स कंटिन्यूस इन द इंटरवल 0 टू पाई, सो व्हाट शुड बी द कंडीशन. नाउ वो एक पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस हमने देखा, चेक किया, कंटिन्यूअस आ रहा था इस पॉइंट पर. नाउ आई एम आस्किंग यू फॉर द होल इंटरवल 0 टू पाई के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. तो अब हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो वी कैन नॉट चेक फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट. बट अगर फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल के, तो मतलब फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूअस है. तो जब भी हमें किसी भी इंटरवल पर फंक्शन को कंटिन्यूअस देखना होता है, उसका मतलब है द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल. अगर हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन उस इंटरवल पर कंटिन्यूअस है. एंड सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी फंक्शन इन इट्स डोमेन, सो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, राइट. तो ये हमारे पास होता है कंटिन्यूअस फंक्शन. तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं एक फंक्शन की इन इट्स डोमेन. आपको कोई इंटरवल अगर कोई मेंशन नहीं है, कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है क्या आपसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन क्या उसके डोमेन पर कंटिन्यूअस है या नहीं. डोमेन पर कंटिन्यूअस मतलब इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट जहां जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड है. देखते हैं. तो अभी हमने देखा पाई बाई टू पर फंक्शन कंटिन्यूअस था. ऑल्सो जब मैंने आपसे इंटरवल जीरो टू पाई पर पूछा तो इट वॉज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल जीरो टू पाई. तो फंक्शन पूरे जीरो टू पाई पर कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो ऐसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसको कहते हैं. अ फंक्शन, अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस if it is continuous at every point in the domain of f. जो भी फंक्शन का डोमेन है अगर वो उसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फंक्शन है f इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो अगर इसको कंटिन्यूअस होना है इस इंटरवल पर तो क्या होना चाहिए, इट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस एट
every point of closed interval a to b and including a to b, usko a and b, right, usko end points par bhi continuous hona zaruri. Now what does it mean by continuity at point? Jaise ye hi hum 0 to pi agar interval le lete hain to continuity beech ke interval, beech ke points par to hame samajh aata hai, kyunki agar koi bhi main beech ka point lungi, I can talk about left hand limit, right hand limit and value of the function, wo hum kar sakte hain. But agar main end points par baat karti hu continuity ki, to uska kya matlab hai? Kyunki aap dekhenge 0 jo hai that is an end point, to function ke liye main left hand limit to define kar sakti hu, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बट राइट हैंड सॉरी दिस राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं देख सकते. सो जब भी हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल है तो कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट क्या मतलब है? इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ द एंड पॉइंट इज ए, सो इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन should be equals to value of the function. We are not talking about the left hand limit because it is the end point, left hand side se hum usko approach nahi kar rahe. Aise hi continuity for b point, uska kya matlab hoga? Ye hamara b point hai pi, so it means limit x tends to a minus f of x, that means left hand limit ki baat ki ja sakti hai, it should be equals to value of the function. And for any point lying in the interval 0 to pi, हम हर एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों की बात कर सकते हैं, तो उधर जरूर हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से ही, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कॉन्सेप्ट से ही देख सकते हैं. बट फॉर द एंड पॉइंट्स कंटिन्यूटी का ये मतलब है. तो अभी हमने सीखा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं उसके डोमेन पर. फंक्शन तब उसके डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया मतलब हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं आ रहा है, तो फंक्शन एक स्मूथ ग्राफ हमारे पास बन जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी जंप, राइट. कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं और जो हम याद रखेंगे. सो द फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है, अगर डोमेन जो है एक फंक्शन का एक सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न मतलब एक ही एलिमेंट है उसमें, तो अगर कोई भी आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन सिंगल टर्न है मतलब एक ही एलिमेंट है, तो वो तो पॉइंट बन गया ना, राइट. तो हमेशा ये कंटिन्यूअस होगा. क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट की बात करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तो कुछ बात करनी नहीं, अप्रोच करेंगे नहीं, सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे और वो तो हमेशा इक्वली होगी. तो जब भी आपके पास एफ एक्स सिंगल टर्न होता है सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. देन कॉन्स्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. तो कॉन्स्टेंट फंक्शन जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर लेट्स से आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये मैंने लाइन बना दी, ये बन जाएगा आपके पास ग्राफ. हम पहले भी देख चुके हैं कॉन्स्टेंट फंक्शंस. सो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 2 आपके पास है, नाउ सी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका पूरा रियल लाइन ही हमारे पास डोमेन है. तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? ये हमेशा कंटिन्यूस होगा. एक तो आप देख सकते हो for its domain that is R, it is continuous at every point of the domain. सारे ये जो points है domain के, हर एक point पर function without any break बनाया गया है. So function is continuous. तो constant functions जो होते हैं वो हमेशा continuous आते हैं. आप mathematically भी इनका proof देख सकते हैं. कैसे? देखो, let's say एफ एक्स इक्वल्स टू के कोई भी एक कॉन्स्टेंट है, के इज एनी कॉन्स्टेंट, तो इसका डोमेन हमारे पास आर है. तो जब भी मैथमेटिकली अब हम चेक करते हैं फॉर एनी फंक्शन टू बी कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक सी लेट कर लेते हैं बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब सी इज एन एनी आर्बिट्री रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, सी एक आर्बिट्री रियल नंबर हमने अज्यूम कर लिया. तो अगर इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाए, तो मैं कह सकती हूँ कि हर एक पॉइंट पर यही हो रहा होगा क्योंकि सी वॉज एन आर्बिट्री चॉइस. तो लिमिट
x tends to c f of x, because ये हमारे पास एक constant function है. आपको पता है limit of a constant function हमेशा वही आती है, k हो जाएगा. So limit, left hand limit and right hand limit आपके पास k आ गई. And what is the value of the function? तो value of the function f of c will be what? No matter what x you put, it is a constant function, हमेशा k ही देगा. So आप देख सकते हैं limit x tends to c f of x is equals to क्या आ रहा है, k ही आ रहा है. And value of the function भी क्या आ रही है, आपके पास k ही आ रही है. तो मतलब function is continuous at every point of the domain. So function is overall continuous. So this is how you check a function to be continuous in its domain. हम एक arbitrary real number लेकर चलते हैं और उसके लिए continuity check करते हैं. अगर continuous आ जाता है तो function overall continuous हो जाता है. ऐसे ही हमारे पास identity function जो होता है वो हमेशा continuous होता है. तो identity function का graph हम 11th standard में भी सीख चुके हैं. Also यहाँ पर भी बनाकर देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, वही सेम जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है. सो इट वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपके पास ऐसा ग्राफ आता है. तो आपको पता है इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस इज रियल नंबर. यही सारे हमारे पास पूरी रियल लाइन ही हमारे पास इसका डोमेन है, राइट. नाउ From the graph itself, you can see it is a continuous function, है ना, कोई break नहीं है, smooth graph एक go में आप बना पाए हैं, तो ये function continuous है. But अगर mathematically आपको करना पड़े तो आप कैसे करेंगे इसको, आप कोई भी c belongs to R let कर लेंगे, अब limit check करेंगे, तो limit x tends to c f of x. तो मेरा लिमिट x tends to c ये फंक्शन है which is a polynomial function. And you know how to find the limit of a polynomial function by direct substitution. Put क्या direct c आ गया. And value of the function at c, तो f of c जो भी x input करेंगे वही output आएगा. तो आप देख सकते हैं limit of the function at point c is same as value of the function at point c. The left hand limit, right hand limit equals to value of the function. So since c was an arbitrary real number, so this will be true for any real number. हर एक real number के लिए true हो जाएगा. तो identity function भी हमारे पास हमेशा continuous होता है. ऐसे ही हमारे पास ये results हैं जो हम direct देख सकते हैं. Polynomial functions are always continuous. Rational functions जो भी उसका domain है उस पर हमेशा continuous आएंगे. Trigonometric function अपने domain पर continuous होते हैं. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हमारे पास अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होते हैं. फाइन, तो ये कुछ हम फंक्शंस याद रखेंगे. कहीं कहीं पर हमें यूज करना होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट दे आर कंटिन्यूअस. सिंगलटन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलीनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस अपने अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होंगे. So now अब हम questions देखेंगे on how to mathematically show whether a function is continuous function or not. जैसे ये function है f(x) is equals to mod x, इसको हमें देखना है कि ये continuous function है या नहीं. अब idea तो हमें है कि ये continuous function है because हम लोग पहले भी इसका graph देख चुके हैं. फिर से एक बार देख लेते हैं. Graph of a continuous function हमने देखा हुआ है. It is a V-shaped graph, right? तो ये हमारे पास ग्राफ होता है इसका, है ना. और इसका जो डोमेन है दैट इज टोटल पूरा रियल लाइन हमारे पास डोमेन है. रियल नंबर्स इसका डोमेन है. सो इट इज डेफिनेटली अ कंटिन्यूअस फंक्शन. मतलब मैथमेटिकली भी फिर ये कंटिन्यूअस आ जाना चाहिए. अब लिखकर कैसे दिखाना है वो समझते हैं. तो सबसे पहले तो हम फंक्शन कैसे डिफाइंड है mod x फंक्शन वो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ये ग्राफ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके आइडिया के लिए कि ये कंटिन्यूस है. अब देखते हैं. तो mod x फंक्शन जो होता है वो वैल्यू लेता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0.
राइट, ऐसे डिफाइन होता है हमारे पास मॉड एक्स फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे ये फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। जो भी हम क्वेश्चंस डील करेंगे उनमें यही करेंगे, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इसका डोमेन पूरा आर है, रियल नंबर है, तो जिस भी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है ना उस पॉइंट को मार्क कर लो। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें चेक करना है फॉर इट्स कंटिन्यूटी। क्योंकि ये जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो पर डेफिनेशन इसकी चेंज हो रही है, फॉर ग्रेटर दैन जीरो अलग तरीके से डिफाइंड है, फॉर लेस दैन जीरो अलग तरीके से डिफाइंड है। तो जो भी ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस पर तो हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से हमेशा चेक करके बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, क्योंकि उधर डेफिनेशन चेंज हो रही है इसीलिए। और एक पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं हमें पता है कैसे चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बाकी ये जो हमारे पास बचा माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी, इधर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर पर चेक नहीं करना है, ये पूरा इंटरवल आ गया। तो मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए चेक करूंगी, दैट विल बी माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड एक इंटरवल के लिए चेक करूंगी जीरो टू इंफिनिटी। तो तीन जगह पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर हर जगह कंटिन्यूस आ गया तो फंक्शन विल बी ओवरऑल कंटिन्यूस, राइट। तो पहले तो जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा होता है उस पर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, तो कंटिन्यूटी एट जीरो हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, सो दैट विल बी लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो पर फंक्शन ये वैल्यू ले रहा है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन इज माइनस x, विच इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, लिमिट विल बी बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लिमिट निकालेंगे। तो आपने पुट कर दिया जीरो, तो जीरो आ गया, राइट। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, तो राइट हैंड साइड एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो वाला फंक्शन, विच इज एक्स, अगेन पॉलीनोमियल फंक्शन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जीरो, राइट। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो चेक करेंगे, तो व्हेन एक्स इज जीरो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स, मतलब जीरो ही, जीरो इनपुट किया तो जीरो ही आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट जीरो, मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं पूछी थी, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब पूरे डोमेन पर पूछ रहे हैं, एंड द डोमेन इज आर, एज यू कैन सी इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, लेस दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो एंड इवन इक्वल टू जीरो। तो यहां तक तो हमें आता था एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी। अब देखो क्योंकि r पर डिफाइंड है, तो एक इंटरवल इसका बन रहा है माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो अब उस इंटरवल पर आप चेक करके बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, यू विल लेट c टू बी एनी रियल नंबर सच दैट c इज ग्रेटर दैन जीरो। मतलब मैं इस इंटरवल की बात कर रही हूं जीरो टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल की बात कर रही हूं मैं जीरो टिल इन्फिनिटी, क्योंकि इसी इंटरवल पर c इज ग्रेटर दैन जीरो वाला नंबर लेगा। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो आप पहले ही लिख लो। तो जीरो टिल इन्फिनिटी के लिए, मतलब x ग्रेटर दैन जीरो के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ये आपको हमेशा हेल्प कर देगा, राइट। तो पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इधर कंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं। सो फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस हियर, हम कोई भी रियल नंबर c के लिए चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। ओके, एक वे तो इसको करने का है, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है इस इंटरवल के लिए जीरो टू इन्फिनिटी के लिए, तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ या पॉलीनोमियल भी बोल सकते हो, ये पॉलीनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी c ग्रेटर दैन जीरो, राइट।
बट मैथमेटिकली करके भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैथमेटिकली करके मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करना होगा। लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है विच इज x। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट आएगी। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, f ऑफ c, जब c पुट करेंगे तो c ही आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी सी ग्रेटर दैन जीरो, फॉर एनी आर्बिट्री सी ग्रेटर दैन जीरो, राइट। ऐसे ही या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस कंटिन्यूस, ये भी कर सकते थे। दूसरा ये वाला इंटरवल हमने डील कर लिया, अब इस इंटरवल पर आते हैं। इस इंटरवल पर भी हमें चेक करना है, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो के लिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो लिखेंगे। तो हमें कोई भी सी ले रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब सी कोई भी एक नंबर हो सकता है इनमें से। तो ऑब्वियसली जब वो माइनस इंफिनिटी टू जीरो बिलोंग कर रहा है तो सी विल बी लेस दैन जीरो। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो देखो। सी लेस दैन जीरो का मतलब एक्स लेस दैन जीरो, ये वाली बात हो रही है। तो फंक्शन डिफाइंड है माइनस एक्स की तरह, f of x is equals to minus x. तो आप f of x equals to minus x से प्रूव करेंगे। अगेन आप पॉलिनोमियल फंक्शन बोलकर इसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, अदरवाइज मैथमेटिकली दिखाना है तो लिमिट निकालेंगे। लिमिट x tends to c f of x is equals to limit x tends to c minus of x sorry which is equals to minus c। ये आएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब निकालोगे तो यहाँ पर सी पुट करें, यहाँ पर भी सी पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन अगेन कंटिन्यूस हो गया। सो मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी सी ग्रेटर दैन जीरो। देयरफॉर क्योंकि देखो वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस आ रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जिस पर वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर मॉड एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो दिस इज हाउ यू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। आप सबसे पहले डोमेन को लेते हैं, देखते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, देन देखो कि वो फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर जीरो पर ब्रेक हो रहा था तो जीरो पर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट से चेक किया। बाकी जो इंटरवल्स बचेंगे उन इंटरवल्स पर हमेशा एक आर्बिट्री सी लेकर चलोगे और उसके लिए आप लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करो। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा। एंड जस्ट वन हिंट, फंक्शन इंटरवल्स पर हमेशा हमेशा कंटिन्यूस आ ही जाएगा। ओनली डिसकंटिन्यूस अगर वो हो सकता है दैट विल बी डिसकंटिन्यूस एट द ब्रेकिंग पॉइंट। ये अपने माइंड में क्वेश्चंस में हमेशा रख लेना। कभी भी कोई इंटरवल बनेगा सी से कर रहे हैं हम, हमेशा कंटिन्यूस आ जाएगा, ओनली ब्रेकिंग पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूस आने का चांस है। अभी हम क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस दैन जीरो एंड माइनस एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो। तो फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है कि वो है या नहीं। एंड सिंस नो स्पेसिफिक पॉइंट इज मेंशन, मतलब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात नहीं हो रही है, कंटिन्यूटी डोमेन पर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको डोमेन पता होना चाहिए फंक्शन का। तो डोमेन क्या होगा, जहां जहां पर वो वैल्यूज ले रहा है, फंक्शन डिफाइंड है, वही हमारे पास डोमेन आ जाएगा।
सो इट इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0. तो उसका क्या मतलब है, अगर ये रियल लाइन है आपके पास, ये 0 है, तो इट इज डिफाइंड फॉर लेस देन 0, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 0 के लिए डिफाइंड है एंड ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, तो 0 टू इंफिनिटी के लिए डिफाइंड है. सो जो डोमेन बन रहा है इस फंक्शन का, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड. 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ द डोमेन. फंक्शन 0 पर तो ब्रेक हो रहा है बट वो डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए मुझे उस पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है. सो ओनली फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस इट शुड बी कंटिन्यूस इन दीज टू इंटरवल्स. तो इन दो इंटरवल्स पर अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस. नाउ इंटरवल पर कैसे चेक करते हैं हम कंटिन्यूटी, आप कोई भी एक सी ले लोगे बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यू विल लेट सी बिलोंग्स टू द एनी वन इंटरवल. लेट्स से सी हम ले रहे हैं लेस देन 0, तो मैंने इस इंटरवल पर ले लिया है, तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो चेक कर लेते हैं. फॉर सी लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है x प्लस 2. सो ये तरीके से, इस तरीके से फंक्शन वैल्यू लेगा. तो मैं कोई भी एक सी जो यहाँ बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, उसके लिए चेक कर रही हूँ. अगर उसके लिए ट्रू आ गया सो इट विल बी ट्रू फॉर एवरी सी लेस देन 0. ठीक है, तो चेक करते हैं. लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हम यही यूज कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी. सो दिस इज एक्स प्लस 2, पुट करेंगे पॉलीनोमियल फंक्शन है सी प्लस 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी क्या आ जाएगी, सी प्लस 2. तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c आ रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है. therefore fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, therefore इट इज कंटिन्यूस फॉर एवरी c लेस देन 0. कोई भी आर्बिट्री सी बिलोंग्स टू आर के लिए, सिंस इट इज कंटिन्यूस सो इट विल बी कंटिन्यूस फॉर एवरी सी लेस देन 0, राइट. तो इस इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस आ गया. ऑल्सो आप डायरेक्टली, अगर ये 1 or 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन हेंस इट विल बी कंटिन्यूस. आप ये रिजल्ट स्टेट कर सकते हैं, बट अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप वर्कआउट करके दिखा दीजिए. अब ऐसे ही दूसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं. दूसरा इंटरवल क्या आएगा, लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड सी, क्योंकि इस इंटरवल में ले रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, तो इट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन इज टेकिंग वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2. आप देख सकते हैं फंक्शन ऐसे वैल्यू ले रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. अगेन आप बोल सकते हैं इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन हेंस कंटिन्यूस, बट अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो क्या करेंगे, सी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, that means limit x tends to c, function ले लेंगे, polynomial function है, direct substitution से limit निकालेंगे, value of the function at c check करनी है तो इसमें c put कर देंगे minus c plus 2. तो हम देख सकते हैं limit x tends to c f of x is equals to क्या आ गया, f of c, therefore the function is continuous. Continuous at arbitrary, therefore fx is continuous in its domain. आ रहा है, जो हमारा function था वो अपने domain पर continuous है, क्योंकि इधर भी continuous है. अभी recall कीजिए, last ही question में मैंने आपको बताया था फंक्शन डिसकंटिन्यूस सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर आ सकता है, अदरवाइज वो हमेशा इंटरवल पर तो कंटिन्यूस आ ही जाता है. तो सिंस इसका डोमेन ही दो इंटरवल्स थे, आप देख रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूस ही आया है ना, तो कभी भी गलती से भी अगर इंटरवल पर आपने डिसकंटिन्यूस दिख लिया है तो चेक करना वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, इंटरवल्स पर वो कंटिन्यूस आ ही जाएगा. ओनली ब्रेकिंग पॉइंट अगर डोमेन में आ रहा है तो उस पर अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उधर डिसकंटिन्यूस आने के चांसेस होते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर एंड जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू फोर, शो दैट एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू फोर. तो आपको बताना है कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट वेन एक्स इज इक्वल टू फोर. राइट, तो पहले तो आप अपना फंक्शन देखो, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? सी, अगर मॉड एक्स फंक्शन होता है तो वो एक्स वैल्यू लेता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स लेता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. यहाँ पर मॉड एक्स माइनस फोर अगर फंक्शन आप ले रहे हो सो इट विल ब्रेक एट फोर, क्योंकि एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. इधर एक्स इक्वल टू जीरो, कहाँ पर जीरो होता है? जीरो पर. यहाँ पर ये जीरो किस पर होगा? फोर पर. राइट, तो ये फोर पर ब्रेक हो रहा है. तो व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन फोर, क्योंकि इक्वल टू फोर के लिए तो डिफाइंड है, तो इक्वल वाला मैं नहीं केस कंसिडर कर रही हूँ. ग्रेटर देन फोर के लिए ये पॉजिटिव बाहर आएगा एंड लेस देन फोर के लिए माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर बाहर आएगा. राइट, तो पहले इस फंक्शन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. कैसे? जब एक्स लेस देन फोर है सो इट विल बी माइनस, माइनस करके बाहर निकल आ जाएगा, तो ये कितना बन गया? ये माइनस वन बन गया. जब एक्स ग्रेटर देन फोर है तो इट विल बी एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, क्या आ रहा है? वन. एंड एक्स इज इक्वल टू फोर के लिए फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? जीरो. तो फंक्शन पहले तो आपको देखना होता है कि उसका डोमेन क्या है. सो नाउ हियर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. देख सकते हैं हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है. कैसे? फोर पर ब्रेक हो रहा है, लेट्स से दिस इज फोर, फोर पर भी फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन फोर भी फंक्शन डिफाइंड है एंड ग्रेटर देन फोर भी फंक्शन डिफाइंड है. सो दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड इट इज ब्रेकिंग एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू फोर. तो अभी हमने डिस्कस किया कंटिन्यूटी चेक करनी है, इंटरवल पर तो जरूर जरूर कंटिन्यूस आएगा ही आएगा, आंख बंद करके बस हमें लिखना आना चाहिए, कंटिन्यूस आ जाएगा. डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस क्या है? फोर पर. राइट, क्योंकि वो भी डोमेन का पार्ट है तो चेक करना पड़ेगा. तो देखते हैं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट फोर. क्या करेंगे आप? आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि अलग अलग तरीके से वैल्यू ले रहे हैं. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देखेंगे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू फोर माइनस, ये फंक्शन डिफाइंड है माइनस वन, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन की तो लिमिट क्या हो, सेम फंक्शन इटसेल्फ. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर प्लस एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? फोर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन फोर, ये वाला फंक्शन विच इज वन. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर प्लस वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन अगेन वन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट फोर कितनी डिफाइंड है? इट इज टेकिंग वैल्यू जीरो. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट फोर. राइट, तो इसका क्या मतलब है? एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फोर. तो एक तो पहले तो ये फोर पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है. अब मेरे पास दो इंटरवल्स हैं, उधर भी चेक करना है, तो हम इंटरवल्स पर चलते हैं. तो पहले जो आप लेंगे वो लेंगे लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड पहला इंटरवल ये ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू फोर एंड सी इज लेस देन फोर, ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं. राइट, तो सी स्ट्रिक्टली लेस देन फोर है तो फंक्शन कैसे वैल्यू ले रहा होगा? फंक्शन सी लेस देन फोर ऐसे वैल्यू ले रहा होगा, तो फंक्शन क्या है? माइनस वन.
तो आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन. आप डायरेक्टली बोल सकते हो कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर c स्ट्रिक्टली लेस देन 4. ऐसे ही थर्ड पार्ट जो है, अगर आप c बिलोंग्स टू r ले रहे हो, पूरा मैथमेटिकली भी करके दिखा सकते हैं, बट ये कंटिन्यूअस आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. जब c बिलोंग्स टू r एंड c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 लोगे तो फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा. फंक्शन देखो, फंक्शन की डेफिनेशन, c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 के लिए 1 वैल्यू ले रहा है. अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड है, आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. Therefore, fx is continuous for c strictly greater than 4. अब एक चीज देखो, मैंने बोला था इंटरवल पर हमेशा कंटिन्यूस आता है, आया ना दोनों इंटरवल पर कंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस आने के चांसेस कहां पर होते हैं, सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर. अगर आया तो ऐसा जरूरी नहीं है ब्रेकिंग पॉइंट पर हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, बट अगर होगा तो डिसकंटिन्यूस ब्रेकिंग पॉइंट पर ही हो सकता है, और ये ब्रेकिंग पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है. तो हमें यही तो दिखाना था कि f इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट 4. हमने चेक किया 4 पर डिसकंटिन्यूस है और बाकी जगह सब कंटिन्यूस है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 4. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी सारे पॉइंट्स निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन 1, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं. बोला है कि सारे पॉइंट्स निकालो डिसकंटिन्यूटी के इस फंक्शन के लिए, तो क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं पूछा कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो मतलब ओवरऑल इंटरवल पर बात हो रही है, पूरे उसके डोमेन पर बात हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो इसका डोमेन पता होना चाहिए. तो फंक्शन देखो और समझो कि वो कहाँ कहाँ डिफाइंड है. तो अगर ये रियल लाइन है तो फंक्शन एक तो 1 पर ब्रेक हो रहा है, 1 भी इंक्लूडेड है, तो मतलब 1 भी डोमेन का पॉइंट है, एंड देन माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास दो इंटरवल्स आ जाएंगे. राइट, अब ये आपके लिए हिंट है, करके तो हम दिखाएंगे बट हिंट है. मैंने बताया कि इंटरवल पर हमेशा कंटिन्यूस आएगा ही आएगा, तो इधर तो चेक करने का हमें इतना कोई टेंशन नहीं है. तो डिसकंटिन्यूस अगर आ सकता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर कोई हो सकता है, तो वो कौन सा होगा, इट विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट. राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को चेक कर लेते हैं. जो भी हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स में पता है, ब्रेकिंग पॉइंट्स पता है, हमेशा पहले उन पर चेक कर लो, बता दो कि कहीं है या नहीं है. अगर होगा तो ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, अदरवाइज इट विल बी एवरीवेयर कंटिन्यूस. तो पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि 1 की डेफिनेशन अलग, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 अलग है. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला फंक्शन. तो इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, लिमिट कैसे निकलती है, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सो यू गेट 3. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस 1 के राइट हैंड साइड वाला फंक्शन. लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फंक्शन एक्स माइनस 2, अगेन पॉलीनोमियल फंक्शन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, माइनस 1
एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन भी लिख ही देते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन. पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वन है. बाकी दो इंटरवल्स हैं उस पर हम लिखकर जरूर दिखाएंगे, बट मैंने आपको बताया हुआ है वो कंटिन्यूस आ ही जाएगा, तो लिखना जरूर है. पर तो आप लेंगे लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन. तो जो आपका फंक्शन डिफाइंड है सी स्ट्रिक्टली लेस देन वन या एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वन वो है एक्स प्लस टू. तो इस फंक्शन के लिए आप कर रहे हो ऐसे ही लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन. तो c strictly greater than 1 के लिए वैल्यू कैसे ले रहा है वो आप देख सकते हैं, x माइनस टू. आप क्या बता सकते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. therefore fx is continuous for c less than 1. and ऐसे ही it is a polynomial function therefore fx is continuous for c strictly greater than 1. less than 1 and greater than 1 ke liye continuous ho gaya. to aap dekh sakte ho yahi hamara domain tha. dono interval par to wo continuous aa hi gaya. डिसकंटिन्यूस कहाँ पर आ रहा है, वन पर. पूछा क्या था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन इज द ओनली पॉइंट ऑफ ऑफ डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस डोमेन पर कहाँ होते हैं, ओनली जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है. तो आप उधर ही हमेशा चेक कर सकते हो, और बाकी इंटरवल्स के लिए तो हम सीधा लिखकर दिखा सकते हैं, राइट. एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर. क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ये फंक्शन है ओके. ये फंक्शन है हमारे पास और हमें इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं अगर है तो. तो सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ सकते हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है. तो अब पहले फंक्शन को ध्यान से देखो और समझो कि फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है. एक तो माइनस वन पर ब्रेक हो रहा है और वन पर भी ब्रेक हो रहा है. तो दो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है. तो एक ये इंटरवल है हमारे पास एक्स लेस देन माइनस वन. इंटरवल पर कंटिन्यूस आ जाएगा, हम लिख कर दिखाएंगे बट कंटिन्यूस आ जाएगा. माइनस वन टू वन भी इंटरवल आ रहा है, कंटिन्यूस आ जाएगा. वन टू इंफिनिटी कंटिन्यूस आ जाएगा. तो ओनली जहां पर डिसकंटिन्यूस आने के चांसेस हैं वो क्या है, माइनस वन और वन. तो पहले इधर ही चेक कर ले हम, राइट. अगर डिसकंटिन्यूस आया तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो फंक्शन विल बी ओवरऑल कंटिन्यूस. तो पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन. क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स. माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे डिफाइंड है फंक्शन, ऐसे डिफाइंड है माइनस टू विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन. माइनस टू ही रहेगी लिमिट. राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स. माइनस वन के राइट हैंड साइड में मतलब सेकंड फंक्शन की तरह डिफाइंड है विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पुट कर देंगे माइनस टू, राइट. माइनस वन पुट कर दिया तो माइनस टू हो गया. एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट माइनस वन
तो x इक्वल्स टू माइनस वन के लिए फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, माइनस टू. तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन आ रही है. फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल है. फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस वन. तो यहां पर तो कंटिन्यूस हो गया. अब डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस सिर्फ कहां पर हो सकते हैं, एट x इज इक्वल टू वन. तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू वन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ x. तो वन के लेफ्ट हैंड साइड में, वन का लेफ्ट हैंड साइड ये 2x, फंक्शन 2x वैल्यू ले रहा है. डायरेक्ट पुट करेंगे वन, सो टू आ गया. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ x. तो वन के राइट हैंड साइड में फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो देखते हैं. तो वन के राइट हैंड साइड मतलब ये फंक्शन टू वैल्यू ले रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, लिमिट वही रहेगी. एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वन टू इंटू एक्स टाइप से वैल्यू ले रहा है. तो टू इंटू वन विच इज टू. अगेन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट वन, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन आ गया. सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन. चांसेस डिसकंटिन्यूटी के माइनस वन और वन पर ही थे, कंटिन्यूस है मतलब इट विल बी ओवरऑल कंटिन्यूस. अभी इंटरवल्स बाकी हैं, हम लिखकर जरूर दिखाएंगे. तो अब हम तीनों इंटरवल्स लिख लेते हैं. तो आप ऐसे पार्ट्स करके लिख लिया कीजिए, ताकि आपको हमेशा ये रियल लाइन बना लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में. बाकी पार्ट्स आप लिख लो, पांच पार्ट्स आ रहे हैं इसके, दो पॉइंट्स थे और बाकी तीन इंटरवल्स. तो अब हम तीन इंटरवल्स डील कर लेते हैं. तो एक है लेट सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन. फिर एक है लेट सी बिलोंग्स टू आर, सी इज लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, राइट. एंड एक है सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन. ये इंटरवल्स थे, क्योंकि माइनस वन पर और वन पर तो हम चेक कर चुके हैं कंटिन्यूटी. तो स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन और वन के बीच, और वन के बीच ये जो हमने इंटरवल्स बनाए हुए, राइट. तो फंक्शन कैसे कैसे डिफाइंड है वो लिख लेते हैं. तो लेस देन माइनस वन के लिए फंक्शन माइनस टू वैल्यू ले रहा है. सो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. इधर फंक्शन कैसे वैल्यू ले रहा है, टू एक्स. और इधर फंक्शन कैसे वैल्यू ले रहा है, टू. तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर सी लेस देन माइनस वन. इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर सी लाइंग बिटवीन माइनस वन एंड वन. एंड अगेन इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन. तो हमारे पास पांच पार्ट्स बने थे इस फंक्शन के लिए. कौन कौन से, एक तो ये इंटरवल, फिर ये पॉइंट, फिर ये तीसरा इंटरवल, फिर पॉइंट, और ये है ना, सारी ही जगह पर कंटिन्यूस आ गया. इंटरवल्स पर तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस आना ही था, पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस आ रहा है. तो मतलब फंक्शन के कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं. तो आप क्या लिखोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कोई पॉइंट है ही नहीं डिसकंटिन्यूटी का, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज चेक वेदर अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन और नॉट.